नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा। आज आपको बताऊंगी एक ऐसा स्टोन जिसको अगर आप रखते हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और हेल्थ के लिए कैसे काम करता है। प्रॉस्पेरिटी से मेरा मतलब ओवरऑल तो आपकी हेल्थ से है, जो आपको मनी गेन कराता है, आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, साथ ही साथ जो भी वाइब्रेशंस आपके घर में उसे सकारात्मक आपके लिए पॉजिटिव बनाता है। छोटा सा पत्थर यदि आप अपने मंदिर में, अपने कैश बॉक्स में यदि रखते हैं तो वहां क्रिएट कर देता है एनर्जी जो मनी ब्लेस कर देती है। आज सबसे पहले मैं दिखाती हूँ स्टोन के बारे में। इस स्टोन को आप सभी ने देखा होगा, जैसे आप देख रहे हैं इसका नाम पायराइट है। जैसे आप देखें ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसके अंदर एक विशेष तरीके की एक शाइन होती है। आप देखिए, मैं इसको हिलाऊंगी, आपको विशेष शाइन इन पत्थरों में दिखेगी। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए एक ब्यूटीफुल शाइन होती है। आपको इस पत्थर को जब भी आप ग्राउंडिंग, आपको पावर्स चाहिए, आपको इसे रखना होता है। मैं अक्सर इन पत्थरों को रखने की सलाह देती हूँ। 2018-19 में मैंने इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था क्लस्टर पे, और लोगों ने, जिन्होंने रखा, जिन मेरे जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील करी। एक छोटा सा पत्थर आपको वो वाइब्रेशन देता है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। थोड़ा सा पत्थर जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इसको आप अपने पास रखिए और मेडिटेशन करते समय आप इसकी वाइब्रेशंस ले सकते हैं। ये क्रिएट कर देता है ओवरऑल आपकी मनी वाइब्रेशन। ग्राउंडिंग स्टोन होने के कारण आपके अंदर जो आपके ग्राउंडिंग चक्रास है या लोअर चक्रास जिन्हें आप कहते हैं, उन्हें एनर्जाइज कर देता है। ब्लॉकेज, जैसे आप कह रहे हैं मनी फ्लो में ब्लॉक आ गया है, अचानक आपका व्यवसाय खराब हो गया या आपके जजमेंट इतने अच्छे नहीं रहे हैं, ऐसे व्यक्ति इस स्टोन को, इसको हमेशा अपने आसपास रखें, होल्ड करके रखें। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्होंने जब होल्ड किया है तब उन्हें गर्मी का एहसास होता है, तो उन्हें लगता है स्टोन काफी गर्म है, ये भी महसूस किया। एंड ये सारे जो भी सुझाव है जब आप मुझे भेजते हैं, जिनसे मुझे ये बात पता चलती है, मैंने भी जब एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन स्टोन को होल्ड किया तब मुझे भी लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो हमारे लोअर चक्रास को एक्टिवेट कर देती है। मैंने इसे ब्यूटी का स्टोन भी देखा, जिन लोगों के अंदर चार्म नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी ब्यूटी स्टोन, मगर चार्म नहीं है, ब्लेस नहीं है, ऐसे स्टोन भी, अगर ऐसे व्यक्ति भी इस स्टोन को अपने पास रखते हैं, जब आप अपने ध्यान में बैठ रहे हैं, आप पूजा में बैठ रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय आप स्टोन को रखिए, तो वहां पर भी ये क्रिएट कर देता है वाइब्रेशन को। ये सकारात्मकता का स्टोन है। अब यहां बात करूंगी मनी के लिए। जैसे सवाल आता है क्या मनी क्रिएट होता है पायराइट से? पायराइट बेसिकली, जो मेरा जितना अनुभव है उस हिसाब से, ब्लॉकेज रिलीज कराने में मदद कर देता है। इसके वैरायटी है, सबसे बेस्ट है रॉ फॉर्म, ओरिजिनल पायराइट लीजिए। देखिए इसका डुप्लीकेट बहुत आ रहा है मार्केट में, आप लोग नहीं समझ पाते, आप कहते हैं कि भाई ब्लेस नहीं हुआ, हमने कहीं ऑनलाइन स्टोर से मंगा लिया। ऑनलाइन स्टोर से आप मंगाइए, लेकिन ऑनलाइन स्टोर वाले आपको वो चीज नहीं देंगे जो हमें इस पायरेट के लिए चाहिए, वो है क्लिंजिंग, वो है ब्लेस्ड। अगर आप खुद करना जानते हैं तो आप खुद क्रिएट कर लेते हैं, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सही तरीके से करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जब आप इसको अफर्मेशन दे रहे हैं, जब आप इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, तो आपका माइंड भी उस लेवल में जाके उसे क्रिएट करेगा। यदि आप मेंटली लेवल पे स्ट्रांग है तो आप क्रिएट कीजिए, ये वाइब्रेशन देगा। अदरवाइज आप मंगाते हैं किसी हीलर से या किसी हमसे या किसी से भी, तो वो आपको सारे प्रोसेस करके ही देता है। अब बात करूंगी इसमें स्टोन और एक पायरेट प्लेट भी, ये प्लेट भी आती है, ये भी बहुत पॉजिटिव आपको देती है। इस प्लेट को भी आपको रखना होता है, काफी बड़ी प्लेट मैंने बनवाई है। उसका कारण है इस प्लेट को बनवाने का, पायरेट प्लेट को आप अपनी दीवार पर पेस्ट कीजिए। आप ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगाते हैं घर में, आप अच्छी अच्छी चीजें अपने घर में लगाते हैं, मैं आपको सजेशन दूंगी अगर आपको कुछ लगाना ही है तो इस तरह की पेंटिंग्स लगाइए। पायरेट की, जब इस पेंटिंग को हमने स्पेशली पायरेट से बनाया है, जो उसका एक रॉ फॉर्म में इसके जो क्लस्टर्स है उनसे से तैयार किया गया, जब आप इसको लगा देते हैं तो उस जगह पे एक पॉजिटिविटी ये क्रिएट कर देता है।
तो आप इसे अपने ऑफिस स्पेस में या मंदिर के पीछे वाला एरिया वहां पेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहां आप पैसा रखते हैं। आपका जो ज्वेलरी बॉक्स है, मनी बॉक्स है, उसके नियर बाय एरिया में भी आप इसे रख सकते हैं। अलमीरा के अंदर भी हमने लोगों की ये पेंटिंग रखवाई है, और जो क्रिएट करेगी आपके लिए क्या वेल्थ और गेन। बेसिकली पायरेट चमक है, पायरेट में अगर आप देखेंगे तो एक विशेष शाइन है, और शाइन के कारण ही अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो चीज चमकती है। आपने रात में देखा होगा जुगनू, बचपन में हमने काफी देखा, अब तो ये चीजें कम हो गई है, अंधेरे में आप जाइए तो जुगनू दिखते हैं, वो चमकते हैं। तो जो चीज चमक रही है वो क्या कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है। स्टार्स, अगर कभी ऐसा टाइम आता है स्टार आकाश में शाइन करते हैं, तो जब वो शाइन करते हैं तो हमें वो अट्रैक्ट करते हैं, तो जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो वह मनी वाइब्रेशंस को क्रिएट कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पायरेट को लेते समय, पायरेट को रखते समय हमें पता चलती है। तो पायरेट बेसिकली सुख समृद्धि के लिए जाना जाता है, आपको मनी के जितने ब्लॉकेज हैं उन्हें रिलीज करने के लिए जाना जाता है। जो प्रोस्पेरिटी आपके लाइफ में चाहिए, जो आपको सही तरीके सकारात्मक वे में नहीं मिल रही है, उसे क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। चमक होने के कारण ये अट्रैक्ट कर देता है वहां पे वेल्थ को और प्रोस्पेरिटी को। बहुत से लोग कहते हैं कि पायराइट में एक, जब भी हमने घर में पायराइट रखा उस टाइम पे पायराइट ने बहुत हमें, मतलब हमें बहुत वेल्थ दी, लेकिन कुछ समय बाद पायराइट ने हमारा वो सपोर्ट नहीं किया जो आते ही उसने किया। ये अक्सर हुआ है, जिसका कारण है उसकी देख रेख ना करना। देखिए, कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर आप घर में या कोई भी डेकोरेशन का सामान आप ले लेते हैं, वो लेना बहुत आसान है, आपने पैसे डाले और ले लिया, पर उसकी देख रखाव, उसे रखना, उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग पायरेट रखते हैं, जो लोग मुझसे कहते हैं, वो ये काम कीजिए, पायरेट को रखिए, ये वेल्थ गेन आपके लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार।